चलो बच्चों, आज सभी लोगों को बीजगणित का गुणनखंड कैसे करते हैं आज सिखाएंगे तुम सभी लोगों को। कृपया ध्यान दीजिए, इधर जैसे यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अगर ऐसे सवाल आ जाए तब क्या करेंगे हम? अगर ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले ध्यान दो क्या करते हैं। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाले जो पद होते हैं इसमें अचर पद का गुणा करते हैं। तो क्या हुआ, एक एक इसका गुणांक क्या एक है ना जी, इसका गुणांक कितना छिपा हुआ है एक, एक कैम एक, एक का ऐसा गुणनखंड करे जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर हो। एक का ऐसा गुणनखंड करे जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर हो। तो एक क्या लिख सकते हैं हम, एक गुणे एक बराबर कितना होगा जी एक, और एक और एक जोड़े कितना हो जाएगा दो, एक और एक जोड़े कितना हो जाएगा दो, यानी एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दो। समझ आ रहा है जी, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा दो होगा, यानी गुणा करने के बाद भी एक आ रहा है और जोड़ने पर भी दो आ रहा है, तो बीच वाले पर दो आए क्या ठीक। अब देखो यहां लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान लेंगे कोष्टक में एक्स प्लस वन प्लस वन और प्लस वन होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है जी, एक्स प्लस एक्स प्लस वन, इसमें दो दो पद का कॉमन बनाएंगे, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स, एक्स कटेगा एक होगा, जब दोनों में से कोई कॉमन है तो एक कॉमन मिलता है, एक कॉमन कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो दोनों में कोष्टक में से कोष्टक ले लेंगे तो एक्स प्लस वन दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ठीक। अब इसके बाद ये दोनों एक्स प्लस वन यहाँ यहाँ दिया और एक्स प्लस यहाँ दिया, या क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी ठीक। नेक्स्ट अगला, इसी प्रकार से अगर मान लो यह लिखा है, देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार। एक तो तरीका हुआ जो अभी बताए, दूसरा तरीका यह है कि जब सबसे पहले देखेंगे क्या कि अगर दोनों संख्या पूर्ण वर्ग है, दो संख्या यदि पूर्ण वर्ग मिल जाए, जैसे मान लो इसका या इसका वर्गमूल कितना होगा एक्स होगा और इसका वर्गमूल कितना होगा जी टू दो सॉरी। अब इसके बाद जब दो संख्या पूर्ण वर्ग, जब इनके गुणनफल का दूना, इनके गुणनफल का दूना, इसके गुणनफल कितना होगा टू एक्स और इनके गुणनफल का दूना का मतलब दो, दो दूना के चार एक्स। अगर यह बीच वाला पद हुआ कि नहीं हुए, इनके गुणनफल द्वारा बीच वाला पद हुआ ना जी, जब ऐसे सवाल आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पर हम क्या करेंगे कि बस बीच वाले पद को आधा आधा कर देंगे, बीच वाले पद को क्या करेंगे जी आधा आधा कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद यहां से क्या दो दो पद के कॉमन बनाएंगे तो एक्स कॉमन लेंगे क्या एक्स प्लस टू हो जाएगा, और यहां से क्या कॉमन मिलेगा जी दो कॉमन मिलेगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस दो दूना के चार ठीक। एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों में से एक्स प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो शेष क्या बचेगा एक्स बचेगा, एक्स बचेगा और यहां टू बचेगा, यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू टू ठीक। अब इसके बाद एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों क्वेश्चन बराबर है, बीच में किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, तो यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक। समझा गया ना,